हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे टॉप 14 अपडेट के बारे में कि आज के दिन हमें क्या क्या अपडेट देखने को मिले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सारे अपडेट के बारे में जो कि हैं मार्वल, डीसी, स्टार वॉर से रिलेटिव। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल अपडेट के बारे में। तो डेडपूल की इस साल से अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, मेकर्स ने ऐसा कहा है। चलिए बात करते हैं एमसीयू अपडेट से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली जेसिका जोन्स ऑफिशियली एमसीयू में आ चुकी हैं, जिसको बुलाया जा रहा है एके जेसिका जोन्स के नाम से, मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म करा है। उसी के साथ बात करते हैं हॉलीवुड अपडेट के बारे में। तो फाइनली जेम्स कैमरॉन ने कंफर्म कर दिया है कि अवतार वे ऑफ द वॉटर 3 घंटे से ज्यादा लॉन्ग हो सकती है। होपफुली, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये मूवी की स्टोरी अच्छी हुई तो भाई मैं तो 3 घंटे से ज्यादा देखने को तैयार हूँ। चलिए बात करते हैं ओटीटी अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की स्टोरी पे काम 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, राइटर्स ने कंफर्म कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं आई एम ग्रूट सीजन 2 के अपडेट के बारे में। तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि उसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में। तो मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है स्ट्रेंजर थिंग के कि जो स्पिन ऑफ सीरीज बन रही है इसकी, वो ओरिजिनल सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। कोई भी कैरेक्टर का रेफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 5 के लिए भी। और बात करते हैं एक ब्रांड न्यू पोस्टर के बारे में जो कि थॉर 11 थंडर का है, जिसमें कि दोनों थोड़े दिखाई गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलिए बात करते हैं डीसी के अपडेट के बारे में। फाइनली डीसी की अपकमिंग जो मूवी है ब्लू बीटल, उसकी शूटिंग खत्म होने वाली है, अब मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं केविन फाइगी से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो केविन फाइगी का इन्वॉल्वमेंट अपकमिंग सोनी मार्वल मूवी मैडम वेब में, जी हाँ, मे बी ज़्यादातर वो प्रोड्यूसर बनेंगे क्योंकि हर मूवी में वो प्रोड्यूसर ही बनते हैं। चलिए बात करते हैं न्यू लुक के बारे में जो कि है शी हल्क से रिलेटिव। थोड़ा बीएफएक्स अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसी के साथ न्यू लुक रिलीज करा गया है एंडोर का, और ये सीरीज का मुझे काफी टाइम से इंतजार था। और साथ ही साथ एक और लुक रिलीज करा गया जो कि है अवतार वे और वाटर का, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं एक डिफरेंट लुक के बारे में जो कि है आयरन मैन मार्क 1 का, जी हाँ। तो आयरन हार्ट जो सीरीज आ रही है, फाइनली वो एक्टर हमें वकांडा फॉरएवर में भी देखने को मिलेंगी, तो उनका मार्क 1 आर्मर रिवील्ड कर दिया गया और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो गाइस ये थे वो काफ़ी कमाल के अपडेट। जो अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।